So, our today's topic is Bootstrap. So, what is Bootstrap? Bootstrap is a front-end framework. So, front-end में we have a framework and that is called Bootstrap. So, Bootstrap आपका एक front-end framework है. So, like in front-end, हम लोग एक framework का use करके we can easily build a responsive website. तो, responsive website बनाने के लिए one of the easiest way is use a framework like Bootstrap. So, Bootstrap is also known as Twitter Bootstrap. So, why we use Bootstrap? It's HTML5 based, mobile first, open source है. Supports all majority of browsers and it is responsive. So by using Bootstrap, आप एक built-in responsive website को create कर सकते हो. So it's a responsive website और इसमें आपको image slider, dropper menu, tab, accordion menu, dropper menus ये सारे के सारे features पहले से हैं built-in मिलते हैं. So first thing is we have to click this button and Bootstrap download. But before that, please just download Bootstrap. मेक श्योर कि आपका वर्जन कौन सा हो. लाइक बूटस्ट्रैप का वर्जन पुराने में 1 था, 2, 3, 3 इज माय फेवरेट वर्जन ऑफ बूटस्ट्रैप स्टिल, एंड देन इज लेटेस्ट वन इज बूटस्ट्रैप 4. 4 एंड 3 में थोड़ा सा डिफरेंस है. सो सी दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बूटस्ट्रैप 3 एंड बूटस्ट्रैप 4. तो बूटस्ट्रैप 4 यूज सपोर्ट होता है सिर्फ i10 एंड अबव ब्राउजर पे, तो 8 एंड 9 की जीरो सपोर्ट है. बूटस्ट्रैप 3 क्योंकि सीएसएस फ्लोट यूज करता है, तो दैट कैन वर्क, इवन कैन वर्क ऑन i8 एंड 9. तो राइट नाउ वी आर यूजिंग बूटस्ट्रैप 4. 3 सिर्फ किन के लिए है, जिनको ब्राउजर i8 एंड 9 की भी सपोर्ट चाहिए हो. सो हाउ टू डाउनलोड बूटस्ट्रैप, सी दिस बटन एंड डाउनलोड. अब ना चाहिए इनको जून सॉफ्टवेयर का बता दो, लॉगिन कर पा रहे हैं. आई नेवर यूज जून सॉफ्टवेयर. वन सेकंड. बाबू देखो उसमें जॉइन का ऑप्शन होगा. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू डाउनलोड बूटस्ट्रैप. तो डाउनलोड करने के लिए गो टू द ऑफिशियल साइट एंड प्रेस द डाउनलोड. सो दिस इज द कंपाइलर सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट, और यू कैन आल्सो यूज सीडीएन. सीडीएन से क्या होगा कि आपका कोड आपके सर्वर पे ही रहेगा एंड जस्ट यू हैव टू डाउनलोड दिस फाइल. सो लेट्स डाउनलोड बूटस्ट्रैप. तो इट्स अ zip फाइल. So it's lightweight and this is the zip file. इसको unzip किया मैंने. This is my folder. Now I'll open this file in my brackets as a project. One second. Okay, so this is the page. These are some predefined files. So do one thing. Now start the starting template. So after installation, first page was introduction. There you can get a starter template. So यहाँ पे आपका एक starter template है. मीटिंग आईडी मैंने सॉरी मीटिंग आईडी करो, मैंने कंटेंट को कॉपी कर दिया है. एंड नाउ लेट्स पेस्ट दिस ऑन अ न्यू फाइल. अ न्यू फाइल, सॉरी कॉपी पेस्ट एंड सेव डेस्कटॉप. तो फोल्डर एंड फाइल नेम index.html. so this is my index file. So these are some file paths, basically they are using CDNs. ठीक है, open this and ये browser पे चल रहा है. See all the files are working. ठीक है, so they are using CDNs. See the console, everything is done. So see Bootstrap में पैकेज में क्या क्या मिलेगा आपको. So you get a predefined a built-in CSS जिसमें responsive सब कुछ होगा. Then you have to add a jQuery and उसके बाद pooper.js and then bootstrap.min.js plugin की file.
So now in Bootstrap, the parent element is container, and within container just add your h1. So you can see ki aapka jo container hai uski proper width hai. So if you check the container, तो कंटेनर की विड्थ आ रही है 1140 फॉर सम डिवाइसेस आईपैड ये 960 हो जाएगा आईपैड पोर्ट्रेट पे 720 एंड फॉर द मोबाइल लैंडस्केप 540 एंड मोबाइल पोर्ट्रेट पे ऑटोमेटिकली 100% हो जाता है सो दैट्स व्हाई बूटस्ट्रैप में बट दिस ऑल सीएसएस इज ऑलरेडी डिफाइंड इन बूटस्ट्रैप 4.4.1 सीएसएस तो दिस मिनिफाइड फाइल एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर यू ओनली हैव टू नो कि कौन कौन से कंपोनेंट को कहाँ कहाँ यूज करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बूटस्ट्रैप 4 से तो दिस इज द स्टार्टर टेम्पलेट जो आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है बूटस्ट्रैप इज बेस्ड ऑन एचटीएमएल 5 रिस्पॉन्सिव मेटा टैग आपका ऑलरेडी इसमें व्यूपोर्ट एडिट है सो बेसिकली ये रिस्पॉन्सिव भी है बॉक्स साइजिंग इज बॉर्डर बॉक्स फॉर ऑल द एलिमेंट्स ठीक है डाउनलोड वी हैव डन ठीक है कंटेंट्स व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर सो दीज आर द फाइल एक्सटेंशंस और पूरा का पूरा कंप्लीट बंडल सो देयर आर सो मेनी फाइल्स इन दिस बंडल In this JS, ये JS का मॉडल है बट एज वी आर यूजिंग CDNs तो हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी बट अगर आपको ऑफलाइन वर्क करना है सो देन फॉर ऑफलाइन जस्ट गो टू CSS फोल्डर एंड यूज द मिनिफाइड वर्जन विच इज bootstrap.main.css नाउ ये आपका लोकल है दिस इज jQuery एंड देन सेम फॉर दिस पाथ So see, Bootstrap में जितनी CSS की फाइल्स हैं, how these are defined. So we always prefer bootstrap.min.css so that includes your layout, your content, your components and utilities. So suppose आपको इनमें से कुछ चीजें चाहिए, not all. Like you only want grid facilities, not. सिर्फ layout चाहिए, content नहीं चाहिए, तो you can use Bootstrap grid. Or if you only want reboot, you can content, then just use Bootstrap reboot. So when we use bootstrap.min.css, actually you are getting all the things. उसमें layout, content, component and utilities सब कुछ आ जाती हैं, ठीक है? And this is for the JS file. Bundle.min में आपका pooper included होता है and जो included होता है, लेकिन jQuery नहीं होता. Min में आपका pooper plus ये included होता है, jQuery included नहीं होता. So first thing is you have to add jQuery and then pooper and then minified version. Browser support except IE8 Bootstrap almost majority of browser को support करता है so this is the list ये कौन कौन से browser को support करता है ठीक है Android phone iPhone को support करेगा तो IE8 and 9 पे ये support नहीं करेगा how to add your JavaScript की file तो इसमें JS के पूरे program कैसे कैसे use करने पड़ते हैं the theming option there is also optional file Bootstrap dot थीम जो ऑप्शन होती है यू डोंट नीड अगर आपको शैडो चाहिए देन ओनली यू नीड दैट सम बिल्डिंग पैक्स जैसे नोड के साथ एनपीएम के साथ आपको उसको कैसे इंटीग्रेट करना है वेब पैक्स आते हैं एंड द एक्सेसिबिलिटी ऑफ बूटस्ट्रैप सो लेट्स स्टार्ट विद द ओवरव्यू लाइक So Bootstrap may like we are using containers. So there are so many type of containers. So this container is 1140 for this screen, 960 for large screen. This is for medium. This is for small, and this is 100%. So now, आप जैसे ही अपने container को छोटा करोगे, you can see कि जो width है वो उसकी change होती जाएगी. And that's why, इसमें responsive add करने के लिए you don't need to use media queries. So see, this is your container. आप just window छोटी करो, and everything is done. So right now it's 1140. See now, ये 960 हो गया. Again कम किया तो 720 हो गया. और कम किया तो ये 540 हो जाएगा. And in the end ये 100% हो जाएगा. So ये responsive है for all devices. ठीक है. So most of the case हम लोग use करते हैं bootstrap में container. So mobile ported को छोड़के बाकी सब device पे ये fixed width है. So यहाँ इतना अगर आपको पूरा full on liquid चाहिए To use Bootstrap Fluid. So now ये 100% होगा on all devices. कोई भी device हो सब पे 100%. But if you want 100% on some devices, let's say container SM. So this means 100% on same device. Container MD means phone के दोनों mode, landscape, portrait पे 100%. So if you want कि phone and portrait and mode दोनों पे 100% हो, landscape and portrait पे, तो use container MD. ये इन दोनों पे 100% होगा. If you want कि iPad पे भी 100% हो, use container LG and or container Fluid. So you have so much options
you can use any one of them containers ke liye. This is a simple container, fixed responsive fixed, and this is liquid responsive. So this is fixed responsive and this is liquid responsive. ठीक है. Some breakpoints कैसे use कर रखे हैं तो आप inspect में भी check कर सकते हैं. Grids. Now हम in the last sessions हम लोगों ने CSS में float के through column बनाए थे, but Bootstrap 4 doesn't use float. Bootstrap 4 use grids. तो Bootstrap 3 में float use होता था and यहाँ पे grid use होता है. So how to use grid in Bootstrap 4? So the parent class is row. तो सबसे पहले add a row class and now within this row add your columns. Like if you want 3 columns, so type a call class. 1, 2, 3. So see, these are 3 columns, 1, 2, and 3. So within a row we have 3 columns. If you want 4, add one more column. So see, this is the advantage of using a flex box. So flex ka fayda kya hai? So Bootstrap ka default display flex hota hai row mein. So see, we got 4 different elements. You want 5, add one more. You want 6, add one more column. So sare ke sare column aapke actual size mein aa jayenge. Now just minimize it and see, ye sare device pe same size ke hi aa rahe hain. So this is responsive, but we have to manage these columns as per screen size. So screen size according how to manage them, chaliye inko dekhte hain. So call class in a row, hamesha container ke andar aayega row and then row ke andar aayenge columns. So now we have 6 columns. This is an example. W100 class in between add karoge to ye break ho jayega. We can also set the width, like let's say mere paas 4 columns hai and I want 3 columns hai and I want ki jo second column ho ye 380 se bada hai. So I can use call 6 class. So ye automatically 50% ho jayega. See, now this column is 50% aur ye dono automatically adjust ho jayenge remaining area mein. For equal, use call. Okay, so these have variable width. Responsive classes ke liye aap call ke saath saath you can add another class like call 4. So like this is column 4 and this is column 8. So see, column 4 33% and column 8 66%. So hum iski window choti kar rahe hain, ye aise aa raha hai. Okay, so 4 and 8 means the size of columns. So out of 12 grid, ye kitne size ka hoga? To ye 8 hai, ye 4, wo 4 hai, wo 8 hai. Same for horizontal mode. We can also use a mix match like call MD4 and call MD8. So MD stands for medium. To see, ye abhi 4 hai, ye abhi 8 hai. But जैसे ये small device पे जाएगा, this is iPad, तो ये phone पे automatically 100% हो जाएगा, ठीक है? So MD, sorry, so call MD, जैसे ही mobile device शुरू होंगे, तो अपने width को 100% कर देगा, otherwise वो 66% है. So that means if I want 4 columns, so I can use call MD4. Okay, so these are 4 columns, 3 columns, 4, 4, 4, but on a mobile device ye 1 by 1 karke aayenge. If I want 4 columns, so I can use call MD3. Theek hai, ye aise aa jayenge. See, these all are 25%. Ye sare ke sare 25% aa rahe hain. Now these are 25% for all the devices except mobiles. So mobiles ke landscape and portrait pe ye automatically kitne ho jayenge? 100% ho jayenge. So this is call MD. Jab hum log call MD use karte hain. So now we use call SM3. So now see, again 25%, 20%, lekin ye iPad se second
container, and this is SM. LG means large. So large जो है ये आपका iPad पे भी work कर रहा है. One second, I'll just change the container width. So now see the container is 540 and 720 means iPad. So ये iPad का ported mode है. So see there are three columns. But I want कि ये two होते. तो ये 23% है. So how to use it? ठीक है. Use call LG3 and with use call MD6. So call LG3 and MD6 use करने से क्या हो रहा है? See ये 25% है. But on iPad ये कितने हो जाएंगे? ये सारे के सारे आपके columns ऐसे देंगे. And on a mobile आप इनको one by one get कर सकते हैं. So these are single single. Now on iPad ये दो के ग्रुप में आ रहे हैं एंड फॉर अ डेस्कटॉप ये सारे के सारे एक लाइन में आ रहे हैं. सो वी हैव अ सिंगल रो विथ फोर कॉलम्स ऑन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स. ऑन एन आईपैड ये दो दो के पेयर में आएगा एंड फॉर योर मोबाइल डिवाइस ये सिंगल सिंगल हो जाएगा. सो सी हमारे पास तीन डिवाइसेस के लेआउट्स हैं, लैपटॉप, मोबाइल्स एंड आईपैड. सो बाय यूजिंग एलजी विद एमडी आपको तीनों डिवाइस के लिए ये कॉलम्स मिल जाएंगे. तो बूटस्ट्रैप ने आपको टोटल different columns रखे हैं, you have to combine. ठीक है, gutters क्या होते हैं? जो इनके बीच के gap होते हैं. So for that, like आपको gutter में gap नहीं चाहिए, you can remove it. Align, you can change the alignment. तो ये vertical aligns के लिए होते हैं, using flex. Horizontal aligns के लिए होते हैं. If you don't want the space between gutter, क्योंकि by default bootstrap में दो elements के बीच में 30 pixel का gap होता है, 30, 15 left padding, 50 right padding. If you want to remove this gap, use class no gutters. See now, they are full width. तो ये full 25% के size होंगे, there is no gap. So by using no gutters, आपका जो बीच का gap है वो automatically खत्म हो जाता है. So right now padding is there with no gutters, padding खत्म हो जाएगी. कॉलम रैपिंग कब होती है? जब 12 से ज्यादा कॉलम का सम होता है, लाइक 9+3 एक रो में आएगा बट 9+4 ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन से आता है. यू कैन आल्सो चेंज द ऑर्डर लाइक इन दिस, दिस इज कॉल, दिस इज सेकंड, दिस इज थ्री, बट दिस इज फर्स्ट कॉल एंड हमने इसको बोला ऑर्डर वन. तो दिस इज द लास्ट वन बट ऑर्डर वन मीन्स ये पहले आएगा. ऑर्डर 12 मीन्स ये सबसे एंड में आएगा एंड नो ऑर्डर मीन्स डिफॉल्ट सीक्वेंस में आएगा. सेम ऑर्डर फर्स्ट मींस द फर्स्ट ऑर्डर ये होगा, ऑर्डर लास्ट मींस ये लास्ट होगा और ये कस्टम ऑर्डर. मार्जिन के लिए देयर इज अ क्लास M1 ऑटो. सो ML मार्जिन लेफ्ट है, MD मींस डिवाइस मीडियम, ऑटो मींस ऑटोमेटिकली जितना होगा टोटल गैप. नेस्टेड कॉलम्स वी कैन यूज लाइक रो, रो में कॉल, कॉल में फिर से रो, रो में फिर से कॉल. ओके, सो ग्रिड फैसिलिटीज बूटस्ट्रैप ने बहुत इजी दे रखी हैं. नाउ लेट्स से कि मुझे इन रो आई वांट कि मेरे पास सिक्स कॉलम्स हो, सो आई विल यूज कॉल LG2. ठीक है, सो दीज आर सिक्स कॉलम ऑन डेस्कटॉप, देन कॉल MD, थ्री कॉलम्स फॉर अ लैपटॉप, फोर एंड टू कॉलम्स फॉर अ अदर डिवाइस. सो कॉल LG MD XS6. तो ये ऐसे हो जाएगा. सो सिक्स कॉलम्स, थ्री थ्री कॉलम्स एंड नाउ सिंगल सिंगल कॉलम. ठीक है, हम यहाँ पे SM भी यूज कर सकते थे. तो SM स्टैंड फॉर स्मॉल. तो बाय यूजिंग SM आपके पोर्ट्रेट मोड पे दो आएंगे. तो सी एड HR, सी दिस इज द लाइन. नाउ चेक डेस्कटॉप पे दीज आर सिक्स इन वन रो. ऑन आईपैड वी गॉट टू टू मींस तीन ऊपर तीन नीचे. ऑन अ फोन ऑन लैंडस्केप मोड वन वन एंड ऑन पोर्ट्रेट सिंगल सिंगल. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन यूज बूटस्ट्रैप ग्रिड. सो बाय यूजिंग रो एंड कॉलम्स हम लोग बूटस्ट्रैप में ग्रिड स्ट्रक्चर को इजीली यूज कर सकते हैं. सो नाउ आपको जो भी वेबसाइट बनानी हो, यू कैन
तो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट बॉडी में ऐड अ कंटेनर, देन कंटेनर में रो एंड विद इन रो यू कैन ऐड योर कॉलम्स. ठीक है, सो कॉल्स आपके अगर ऑटोमेटिक साइज के चाहिए तो फॉर ऑटोमेटिक साइज यूज ओनली कॉल लाइक दिस इज ओनली कॉल. तो ये कितने भी हो सकते हैं, लाइक थ्री इक्वल चाहिए तो ये ऐड कर लो. ठीक है, सो दीज आर ऑटोमेटिक कॉलम्स, दीज आर स्पेसिफिकली डिवाइस बेस्ड कॉलम LG2, MD4, SM6. सो LG2 मीन्स टू कॉलम फॉर लैपटॉप, MD4 मीन्स फोर कॉलम फॉर आईपैड एंड SM6 मीन्स सिक्स कॉलम मीन्स 50% कॉलम ऑन लैंडस्केप मोड. तो ये पोर्ट्रेट पे ऑटोमेटिकली 100% हो जाते हैं. सो वी कैन हैव द ऑप्शन कि हम इसको लैपटॉप पे, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप पे, आईपैड पे एंड मोबाइल्स के लैंडस्केप पोर्ट्रेट पे कैसे देखना चाहते हैं. सो दिस इज द बूटस्ट्रैप ग्रिड ऑप्शन. विद ग्रिड बूटस्ट्रैप हैव सपोर्ट फॉर यूटिलिटीज लेआउट के लिए लाइक फ्लेक्स बॉक्स एंड मार्जिन वगैरह के लिए आता है. There are some. So now come to reboot. So reboot is a built-in CSS file for जो कि already included है. So bootstrap में हर H1 कुछ ऐसा दिखाई देगा, H2 ऐसा दिखाई देगा, H3, H4 ऐसे. List आपकी ऐसे दिखाई देंगे. तो this is reboot. Reboot means default format इनका कैसा है. So they have given the list. आपको जो भी देखना हो, list ऐसे आएंगी, pre-formatted text ऐसे आएंगे, tables ऐसे आते हैं, forms ऐसे आते हैं. एंड ब्लॉक कोड ऐसे आती हैं. तो सी दिस इज द पैटर्न ऑफ ब्लॉक कोड. इनलाइन एलिमेंट समरी कैसे आएगी एंड हिडन एलिमेंट कैसे आएगा. तो दिस इज रिबूट मीन्स द डिफॉल्ट स्ट्रक्चर लाइक टेबल ऐसे आएगा, एड्रेस कैसे आएगा, टाइपोग्राफी. सो कोई भी एलिमेंट बूटस्ट्रैप में कैसे आएगा. तो H1 ऐसे आता है एंड अगर इफ यू यूज अ क्लास H1 तो वो भी वैसे आ जाएगा. सी अभी हेलो with class H1 की तरह दिखाई देते हैं, but this is paragraph, this is a heading. ठीक है, then we can add some extra classes like text muted से इसका color change हो सकता है. we can add display class, so display से उसका font size और बड़ा हो जाएगा. p class display one, so display one से ये और बड़े size में आ जाएगा. so this is for large display, we use display one to four classes. Lead, this is a normal paragraph. And let's say we have another paragraph with class lead. This is lead paragraph. So lead paragraph mein size thoda sa bada hi aata hai normal se. Inline text ke liye we have all the inline level elements. These are exactly same, there is no difference. ABBR abbreviation में you can see this, वो abbreviations को ऐसे दिखाता है. block quote कुछ ऐसे आएंगी and block quote में you have the option की that you can revert your block quotes. list unstyled दे दो class तो ऐसे आ जाएंगी. so let's say we have a list so this is an unordered list, the default list in HTML and इसको class देते हैं unstyled list unstyled. तो ये ऐसी हो जाएंगी. ठीक है, सो अनस्टाइल से ऐसी हो जाएंगी. यू वांट इनलाइन लिस्ट, तो लिस्ट इनलाइन क्लास. सो सी बूटस्ट्रैप की लिस्ट आपकी इनलाइन आ जाएगी. वन सेकंड, लिस्ट इनलाइन. ओके, देन वी आल्सो हैव टू यूज दिस क्लास इनसाइड. List inline item, तो ये class add करो, ये inline में ऐसे आ जाएगी. For description list, you can use DL DT DT and responsive font size. Code tag to how to write computer code. So this is code tag within a pre element. Var for variable, sam for sample. Pictures के लिए we use images. So images को responsive बनाने के लिए there is a class IMGFluid responsive pictures के लिए. As a thumbnail, you can use class img thumbnail. For quick floats, you can use this class. Like rounded, so rounded say corner will be round. Float left say left float. Float right say right float. Center लाने के लिए max mx auto d block. D block means display block. Mx auto means margin auto.
फॉर पिक्चर एलिमेंट दिस इज द ऑप्शंस. टेबल क्रिएट करने के लिए लेट्स क्रिएट अ टेबल एलिमेंट विद, सो लेट्स हैव अ टेबल विद फाइव रोज एंड सम टीडी. So this is the default HTML table, कुछ ऐसे आता है. And now add a class table. तो class table देते ही see इसकी list बिल्कुल change हो जाएगी. There are some other options, table bordered. तो table को outer border मिल जाएगा. Then table stripped. So stripped means even odd rows के color change हो जाएंगे. Table hover. तो mouse hover पे color change हो जाएंगे. ठीक है. टेबल प्राइमरी, तो टेबल का बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा. और यू कैन चेंज अनदर कलर व्हाटएवर यू वांट. ठीक है. तो बाय गिविंग दिस क्लास टेबल का यूजर इंटरफेस पूरा चेंज हो जाएगा. तो टेबल को क्लास देनी है टेबल. रो कॉलम्स के लिए भी आप यही यूज कर सकते हो. लाइक यू वांट अ डार्क टेबल, यूज अ क्लास टेबल डार्क. तो बाय यूजिंग टेबल डार्क क्लास टेबल आपका डार्क कलर में आ जाएगा एंड फॉन्ट कलर ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाएगा. सो नाउ दे हैव गिवन द ऑप्शन, आपको सिर्फ फर्स्ट रो को करना था तो उस टी हेड को क्लास डार्क दो. लाइक क्लास टी आर सी, सिर्फ यही डार्क होगी. और इट्स बेटर कि आप टी हेड यूज करो. स्ट्रिप रो क्लास स्ट्रिप, टेबल स्ट्रिप, डार्क रो डार्क कॉलम, बॉर्डर टेबल. हवरेबल. सो दीज ऑल आर द ऑप्शंस. टेबल स्मॉल करना हो तो टेबल एसएम क्लास देके यू कैन यूज दिस. यू कैन ऐड सम डिफरेंट कलर्स बाय यूजिंग कॉन्टेक्चुअल क्लासेस. सो दीज आर सम क्लासेस like active, primary, success, danger, info, warning, light and dark theme. आप ये classes row and columns दोनों पे use कर सकते हो. So see rows हो या columns, you can use both the classes. Table में caption ऐसे आती है. And responsive table, a div class table responsive के अंदर आता है. For pictures, we have figure element. Like picture आपकी कुछ ऐसे आ सकती है with caption. ठीक है. तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ बूटस्ट्रैप. तो बेसिक्स ऑफ बूटस्ट्रैप में क्या है, दैट हाउ टू यूज बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स. आप कंपोनेंट को कैसे यूज कर सकते हो एंड देन आप अपने कंपोनेंट्स का अलाइन. तो आपको कोई भी साइट बनानी हो रिस्पॉन्सिव, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज आप जो ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो टेबल के रो कॉलम्स पे करोगे. दिस इज टेबल रो एंड रो के अंदर आपको कॉलम्स यूज करना है. देन यू कैन यूज द टेबल, यू कैन यूज द फॉर्म. ठीक है. बट फॉर्म वगैरह आपके अभी फर्दर आगे वाले टॉपिक्स में आएंगे. सो मैं आज यहीं तक फिगर से करा रहा हूँ. सो इन द नेक्स्ट सेशन हम लोग इसको कंपोनेंट से स्टार्ट करते हैं. तो आज आप बूटस्ट्रैप को कैसे डाउनलोड करना है, इंटीग्रेट करना है एंड स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट. ठीक है. सो दिस इज बूटस्ट्रैप.